सीएसटी सुविधा सेंटर हैदराबाद में ओपन किया हूँ मैं। ये मेरा ऑफिस है, जीएसटी सुविधा सेंटर के ब्रांचेस ही है ये। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और मैं हैदराबाद में ओपन किया हूँ। इसके कई फायदे हैं जीएसटी सुविधा सेंटर, और कैसे ओपन करें और इसके सर्विसेज क्या है, 250 सर्विसेज है और एवरी वीकली एवरी डे एवरी जनरली ये ग्रेजुअली दे विल ओपन एंड न्यू फैसिलिटीज न्यू थिंग्स विल कम अप टू फॉर द एनहेंसिंग द जीएसटी सुविधा सेंटर। इसमें किस तरीके से सेटअप किया जाएगा सब डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे ईमेल करिए। थैंक यू वेरी मच। मोर डिटेल्स आर देयर। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा जीएसटी सेंटर है। मैं रिसेंटली ओपन किया हूँ। ये गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर मेरा सेटअप है। ये स्मॉल सेटअप किया हूँ मैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड सेटअप है। ये मेरे कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर सेटअप किया हूँ मैं। ये मॉडेम है और ये जीएसटी सेंटर की वेबसाइट है जिससे मैं डेली काम करता हूँ। ये यहाँ पर मैं बैठता हूँ। ये मेरा चेयर्स है और आपको डिटेल्स में बताऊँगा कैसे जीएसटी सेंटर स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या काम होते हैं। जीएसटी सेंटर एक एवरी गवर्नमेंट की दी हुई कंपनी है, फ्रेंचाइजी है। ये इसमें एवरी नुक्कड़ कॉर्नर पे कोई भी ओपन कर सकता है। इसको बस मिनिमम डिपॉजिट है और आपको चाहिए एक दो चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक कंप्यूटर प्रिंटर सेटअप चाहिए। ये सेटअप चाहिए। अभी आपको ये डिटेल्स बताता हूँ मैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी सेंटर एक गवर्नमेंट अप्रूव बिजनेस है। ये जीएसटी सुविधा सेंटर के अंदर कोई भी आदमी ले सकता है और ये पार्ट टाइम फुल टाइम के जॉब कर सकते हैं। मेरा नाम अथर हुसैन है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए बहुत ही ड्यू टू कोविड हर कोई परेशान है, इसलिए सो मैं अपना एक पार्ट टाइम जॉब के करने के लिए ये लिया हूँ। इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, वीकेंड्स पे कर सकते हैं। और ये सुविधा सेंटर एक अपॉर्चुनिटी है। यू कैन अर्न अराउंड 50,000 to 1,00,000 मिनिमम यू कैन अर्न। एंड सुविधा सेंटर क्या है, एक गवर्नमेंट को बर्डन जो है वो बर्डन कम करती है। ये मेन सीआरएम है। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सीआरएम पोर्टल कहा जाता है। इसको जो सो अराउंड इंडिया अराउंड कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऑफलाइन काम कर सकते हैं आप, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और ये इंटरेक्ट करती है कस्टमर्स के साथ और ये पूरी स्टोर इंफॉर्मेशन देती है और ऑटोमेट नंबर ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं इससे कनेक्ट। और इजीली वी कैन कनेक्ट टू द कस्टमर्स। द मेन थिंग इज दैट हाउ टू गेट द जीएसटी सेंटर। जीएसटी सेंटर लेने के लिए आपको केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। उसमें आपका जीएसटी आधार सेंटर होना है, आधार कार्ड होना है और आपका पैन कार्ड चाहिए आपका और बैंक डिटेल्स। कोई भी बैंक डिटेल्स में आपका अकाउंट रहा वो बैंक डिटेल्स दिए तो ये लोग कमीशन आपको डालते हैं उसके अंदर। और आपका ट्रांजैक्शन जो सो बैंक से होता है, नहीं बैंक। और जीएसटी सेंटर वालों को जब एक बार आप उनसे ऑथराइजेशन ले लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, इसकी फीस के चार्जेस हैं 25,000 और प्लस जीएसटी 4,500, टोटल 29,500 इसके चार्जेस हैं। ये एक बार चार्जेस आप पे कर दिया, ऑनलाइन पे करें तो लोग वंस दे रिसीव दे विल गिव यू दैट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं आपको। ये 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन यानी आप दिल्ली में करीब है तो इसका दिल्ली में सेंटर है, वहाँ पर आप जाके वहाँ पर भी ले सकते हैं ये जी। और इसमें
तीन दिन का जो है सो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें अपने को एक रिलेशन मैनेजर असाइन करते हैं जो आपसे इंटरेक्ट होता है। आप जैसा कस्टमर्स को कुछ भी लाते हैं, एग्जांपल पैन कार्ड है आपका, जीएसटी है, जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन है, देन 250 प्लस सर्विसेज, और ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी वो प्रोवाइड करते हैं। और आपको जैसे इसका एक्सपेंसेस जो है, अभी मैं बताया था आपको, इसका एक्सपेंसेस 29,500 है इंक्लूडिंग टैक्सेस। और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप ये क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकते हैं और ईएमआई भी दे सकते हैं। अगर आपका नहीं क्रेडिट कार्ड रहा तो एक एडवांटेज है, आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करके 29,500 ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको चाहिए लैपटॉप, एक फ़ोन चाहिए बस, मेरे पास ज़्यादा सेटअप है, मेरे को पसंद है नेटवर्किंग का, इसलिए पूरा सॉफ्टवेयर सब चीज़ें हैं वो सेटअप है मेरे पास। और एक आपको जो ज़रूरत है इसकी, इंटरनेट चाहिए, मॉडेम चाहिए, और प्रिंटर चाहिए, स्कैनर और मोबाइल। आप स्कैनर अगर इनिशियली नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे स्कैनर आ रहे हैं वो स्कैनर से आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट है इसका, ये आप दो चेयर सेटअप कर सकते हैं, एक टेबल, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज के लिए आपको बेसिक एमएस ऑफिस और अपलोडिंग डाउनलोडिंग यही चाहिए, और इसके अलावा आपको एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। और आपका मेन थिंग जो है, यू हैव टू फोकस ऑन द क्लाइंट्स, अपने को क्लाइंट्स को लेकर आना है, और क्लाइंट्स को लाकर अपना रिलेशन मैनेजर आपके ऊपर, आपको जो है सो वेबसाइट देते हैं, उससे यूज़र अकाउंट देते हैं। अपन डिटेल्स में देखेंगे, फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में इसको डिटेल्स में कैसा। और एक चैट है, वी चैट है, ये चैट के ज़रिए आप रिलेशन मैनेजर से कभी भी 10 to 6 PM से कभी भी बात कर सकते हैं, कुछ भी डॉट्स हैं आप रेस कर सकते हैं और वो लोग इमीडिएट आपको उसका आंसर देते हैं। ये अपने को मार्केटिंग करना है सबसे पहले। ये मार्केटिंग में अपने को मेन चीज़ क्या है, आप पॉम्पलेट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल पॉम्पलेट्स हैं मेरे पास, ये देखिए ये पॉम्पलेट्स हैं, ये पॉम्पलेट्स आप प्रिंट करके अपने न्यूज़पेपर्स जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोग को दे सकते हैं। इन द मॉर्निंग सेशन में जाके उन लोग को दे दिए, एक 500-1000 आप पॉम्पलेट्स इसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, क्लाइंट्स आपको कॉल कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आपके पास मिनिमम अगर 1000 अगर आप पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए करेंगे 1000, इसमें से अगर आपको 25 भी आए, 25 कस्टमर अगर आपका नहीं आए तो 25 कस्टमर से आपको 30,000 तक इनकम बन सकती है, और इन ग्रेजुअली ये इंक्रीज होती है और इसको जैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपन। और दूसरी मार्केटिंग है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और नियरेस्ट मंडी है, मंडी में कई शॉप्स रहते हैं, वो शॉप्स पे जाके हर एक को GSTN की ज़रूरत है, हर एक को पैन कार्ड की ज़रूरत है, ये लोग रजिस्टर करा सकते हैं, आप उन लोगों से बात करके मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग कर सकते हैं जैसे मैं किया हूँ। अब मेरे पास अच्छे कस्टमर्स हैं जिससे मेरे को इनकम ईजिली 50,000 हो जाती है, और फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में भी बोल सकते हैं अपन। और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में HR रहता है, HR से बात करेंगे तो अगर आप TDS रिटर्न फाइलिंग है, TDS रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं आप, और इसका बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और सप्लायर्स रहते हैं वहाँ पर, तो आप उससे इजीली आप एनहेंस कर सकते हैं अपना बिजनेस। और ये GST सुविधा सेंटर, इन लोग के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है और दूसरे अकाउंटेंट्स रहते हैं, जो भी अगर आपको इश्यूज़ रहा अकाउंटिंग का कुछ इश्यूज़, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको रिजॉल्व करता है। इसमें 2+50 सर्विसेज है, 250 सर्विसेज, उसमें से कुछ सर्विसेज ये है, लेवल 1 सर्विसेज, लेवल 2 सर्विसेज, ट्रैवलिंग है, बिल पेमेंट्स,
मनी ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, ये थोड़े से आपको मैं बता रहा हूँ 2+50 सर्विसेज, और ये कंटिन्यूसली एनहांस करते हैं और बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं, नई आपको नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज ऐड करते हैं, और यानी कि आप सर्विसेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी माइग्रेशन, जीएसटी बुक कीपिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं आप, और पैन कार्ड है इसमें, आपको ITR है, TDS रिटर्न फाइलिंग है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, CA से अगर बनवाना चाह रहे हैं तो आप ये CA अवेलेबल है यहाँ पर, और एक चीज़ है ट्रैवलिंग के लिए आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और बसेस अगर इंटर स्टेट्स बसेस जा रहे हैं, बैंगलोर पुणे कहीं भी जा रहे हैं, मैं हैदराबाद का हूँ इसलिए मैं बैंगलोर पुणे ज़्यादा जाता हूँ, तो ये भी एक मेरे को एडवांटेज बनता है, और होटल्स है, होटल्स की बुकिंग है इसमें, ट्रेन्स की बुकिंग है, और रिसेंटली स्टार्ट किया है, रिचार्ज है इसमें, फ़ोन का रिचार्ज, मोबाइल है, DTH है, DTH के कनेक्शंस लेते हैं आप, डेटा कार्ड्स है जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, बिल पेमेंट्स है यानी वाटर बिलिंग पेमेंट्स है, मोबाइल बिल पेमेंट्स है, गैस बिल पेमेंट्स है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट्स है, और मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ दैट द बेस्ट थिंग इज़ इंश्योरेंस ऑल्सो इज देयर, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं आप, इंश्योरेंस एजेंट के लिए आपको कार इंश्योरेंस बना सकते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस बना सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस है बना सकते हैं, ग्रुप टर्म इंश्योरेंसेस हैं, ये इंश्योरेंस टाइप्स हैं, अब सर्विसेज जो अपने को कस्टमर्स को देने का है, वो कस्टमर्स के साथ अपना RM रिलेशन मैनेजर होता है, वो अगर आपको कुछ भी डॉट्स हैं तो उसको पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको GSCN बनाना है तो GSTN प्लस सर्टिफिकेट होता है, इसकी फीस उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मालूम तो आप RM से इमीडिएट चैट पे बात कर सकते हैं, और चैट पे इजीली आपको पूरे डॉट्स दे देता है, और अब मैं जो मेरे पास जो अभी तक सर्विसेस आए हैं, वन पर्सन शॉप इस्टेब्लिशमेंट इसमें है, देखिए शॉप इस्टेब्लिशमेंट है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट और TDS फाइलिंग, ये मेरे पास प्रोविडेंट फंड जिसको विड्रॉ करना है, 8 years हो गए, एक क्लाइंट आया था कस्टमर उसके ने प्रोविडेंट फंड्स के लिए, और शॉप रजिस्ट्रेशंस हैं, और पासपोर्ट सबमिशंस, ये लोकल एवरी आदमी को चाहिए, पासपोर्ट सबमिशन रिन्यूअल होता है उसका, तो आप पासपोर्ट सबमिशन कर सकते हैं, और कस्टमर को क्या है, एक बार आप कस्टमर से आप अच्छा रैपोर्ट पैदा कर लिए तो वो कस्टमर आपको फिर से दूसरे काम के लिए आता है, और अपने मौत पब्लिसिटी करता है, दूसरे फ्रेंड्स को बोलता है, रिलेशंस में बताता है, तो इसलिए जो आपका बिजनेस ग्रो होता है इससे, तो अब आप इनिशियली अगर आपको 30,000 मंथली 50,000 आए तो नेक्स्ट मंथ आपको श्योरिटी है कि आपको 1 lakh रुपीज़ आ सकते हैं, आप अपना बिजनेस को एनहेंस करना और प्रॉपर डीलिंग करना है कस्टमर से, और एक अच्छा सा सेटअप, और आप अच्छा सा अगर बात करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होके दूसरे कस्टमर्स को ला सकता है, और इसमें आपको एटलीस्ट अगर आप 70 to 100 कस्टमर्स अगर बना लिया तो आप इजीली 50 to 70,000 कमा सकते हैं, और आपको ये कस्टमर्स के जैसा आपके पास लिस्ट बनती है उसको पूरा एक्सेल शीट में आप रेडी करना उसको, और उसको फॉलो अप करना, उसको क्या ज़रूरत है, एक बार हो गए बाद से उसको सेकेंड टाइम क्या सर्विसेज की ज़रूरत है ये देखना, और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइए, ये आपको कुछ डॉट्स है सेटअप करने के बारे में तो मुझे आप ईमेल कीजिए, और आपको मैं नीचे चैट में है सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, मैं आपको जो नेक्स्ट जो जो चीज़ों की अपडेट्स होती बताते जाऊंगा, अगर आपको कुछ डॉट्स है सेटअप के बारे में तो बताइए, मैं एक GST सेंटर का ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी हूँ, तो ये सेटअप क्या, रोज़ाना कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।